दोस्तों जब आपके पास खाली समय होता है तो तब आप क्या करते हैं? दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ कि मैं अपने खाली समय में क्या करता हूँ। दोस्तों जब मेरे पास YouTube वीडियो या Instagram वीडियो बनाने के अलावा जब मेरे पास कोई खाली समय बचता है तो दोस्तों उसमें मैं नॉलेज गेन करता हूँ, और नॉलेज गेन करने के लिए मैं अलग अलग साइटों पर विजिट करता हूँ और वहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। दोस्तों जैसे कि ये सब आप भी करते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब उन साइट से आप वापस आते हैं तो आप लॉग आउट या लॉगिन करना भूल जाते हैं? दोस्तों इससे क्या होता है, जो आपका आईडी पासवर्ड होता है जीमेल का वो वहीं पर रह जाता है। इससे दोस्तों आपके डाटा लीक होने का भी खतरा आप पर बना रहता है। हो सकता है उस जीमेल आईडी को आपने किस जरूरी काम के लिए यूज कर रखा हो, या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर किसी बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर रखा हो, या उसी जीमेल के जरिए आपका फोन नंबर लिंक हो जिससे आपका बैंक अकाउंट भी हैक होने का डर रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर से कि आपने कब किस साइट पर विजिट किया, वहां पर लॉगिन किया था, और लॉगिन करने के बाद आप वहां से लॉग आउट करना भूल गए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट हमारी वीडियो में कर दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि हमारी जो एक ट्रिक है कितने काम में आपके आई है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं उस ट्रिक के बारे में, जिस ट्रिक से दोस्तों आपकी जीमेल आईडी और भी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो हैक होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों क्रोम का वो कौन सा हिडन फीचर्स है जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं? दोस्तों इससे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये ट्रिक आपने मिस कर दी दोस्तों तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें अपनी इस वीडियो का रिस्पॉन्स कितना अच्छा रहा कितना नहीं वो हमको पता चलता है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्रोम ब्राउजर का जो ऊपर में ये रेड एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, और हमको डेस्कटॉप साइट पर इसको पीसी को कर लेना है। दोस्तों ऑलरेडी देखिए ये डेस्कटॉप साइट पर था, और ये करने के बाद हमको ये जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिखा रहा है दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमको सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे आईडी लॉगिन किया हुआ है निशित के नाम से। थोड़ा हमको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद जो ये हमें पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पासवर्ड के ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। दोस्तों यहीं पर आपको वो चीज़ दिखाई देगी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों देखिए रिसेंटली मैंने किन किन साइट पर विजिट किया है, कहाँ कहाँ मैंने अपने फ़ोन नंबर को अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन किया है वो सब यहाँ देखिए दोस्तों पासवर्ड के नीचे लिखा हुआ आ रहा है। सब जितनी भी साइट्स हैं सब देखिए सब में जहाँ जहाँ मैंने लॉगिन किया हुआ है वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मैंने आपको ये तो दिखा दिया है कि आपने रिसेंटली किन किन साइट्स पर विजिट किया है और किन किन साइट पर आपने अपना जो पासवर्ड है लॉगिन जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आपने लिखा है, तो ये सारा डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब बात करते हैं कि आप इसको यहाँ से हटा कैसे सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं ताकि आपका सोशल मीडिया अकाउंट पे जो आने वाला खतरा है वो खतरा टल सके। तो दोस्तों जैसे कि ये सब साइट्स दिख रहा है, देखिए दोस्तों अमेजोन पे मैंने साइनअप किया हुआ है लेकिन इससे इतना कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ये विनोमो जो साइट्स दिखाई दे रहे हैं इनको मैं यहाँ से हटाऊंगा। इससे कुछ देर के लिए यहाँ पर प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद दोस्तों देखिए ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, सामने यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर से आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको इसको डिलीट करना है। दोस्तों देखिए यहाँ से ये परमानेंटली डिलीट हो गया है, और ऐसे ही जितने ये साइट्स हमको दिख रहे हैं हम सबको डिलीट करते जाएंगे। यस देखिए सारे साइट्स हम डिलीट कर दे रहे हैं ताकि हमको खतरा महसूस ना हो। दोस्तों ये फेसबुक का अकाउंट है, यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे, gaana.com इसको भी डिलीट कर देंगे। यहाँ से आप सब कुछ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, खासकर जहाँ जहाँ आपने साइट पर विजिट किया है जो साइट्स आपके लिए जरूरी नहीं है यहाँ से सबको हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों सबको यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। देखिए दोस्तों इन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो और ये ट्रिक कैसी लगी है, वीडियो और ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिक को शेयर।
तो दोस्तों क्रोम ब्राउजर के इस हिडन फीचर से आप क्या कर सकते हैं, आपने जितनी भी साइट्स पर विजिट किया या फिर वहां पर लॉगिन किया है, वो लॉगिन करने के बाद आप लॉग आउट करना भूल चुके हैं, तो दोस्तों इसी ट्रिक के जरिए आप अपने जो पुरानी साइट्सों पर आपने विजिट किया है वहां से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वहां से हटा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो जीमेल आईडी होता है या फिर आपके और भी सोशल अकाउंट होते हैं उन पर जो आपका हैक होने का खतरा बना रहता है दोस्तों, वो खतरा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक की भरमार कर दीजिए, और क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल तथा टेक टिप्स से रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे।